नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि कोई भी बार बार उठकर खड़ा हो जाता है और हमारे संस्कृति के लिए कुछ भी बोल जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे संस्कृति का अपमान हो रहा है, हमारे धर्म का अपमान हो रहा है, हमारे भगवान का अपमान हो रहा है, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, इस सब का अपमान करते हुए हमने देखा है और सहा भी है। इतने सहनशील है हम लोग कि कितने सालों से ये इस तरह से ये चलता आ रहा है और हम सिर्फ देखते रहते हैं। और इसीलिए उन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है जो लोग बार बार हमारी संस्कृति का, हमारे भगवान का अपमान करते हैं। हमने देखा कि कोई भी जो नेता है वो कभी रामचरितमानस का अपमान करता है, कभी भगवद गीता का अपमान करता है, कभी प्रभु रामचंद्र जी का अपमान होता है। हम थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, बाद में चुप हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, भूलने की जो आदत है हमारी, वही सबसे खतरनाक आदत जो हमारे आज के सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाल ही में हमारे जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने जो कुछ भी कहा अयोध्या में जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस प्रोग्राम के लिए, उसकी वजह से सभी लोग दुखी है, आहत है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि हम बहुत सहनशील हैं, हिंदू बहुत सहनशील है, जल्दी से वो विरोध नहीं जताता है और दूसरी बात एकजुट होकर विरोध नहीं करता है। जैसे ही नेता विपक्ष का ये स्टेटमेंट आया, वैसे ही हमने देखा कि टीवी चैनल्स पे डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं और बीजेपी के नेताओं ने उसका विरोध किया है। इसके अलावा बाकी हमने कहीं पे भी इसका विरोध देखा नहीं है जिसका होना चाहिए। यही बात अगर कोई और धर्म की होती तो अभी तक हमने देखा होता कितना सारा विरोध वो लोग कर रहे होते। और इसीलिए इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है उनके बारे में कहने की, चाहे वो अपने देश में हो या विदेश में। विदेश में भी हमने देखा है कि एक दो घटनाएं ऐसी हुई कि कितना विरोध किया। हम नहीं करते क्योंकि हम हिंदू बहुत सहनशील है, हम सबको अपना मानते हुए चलते, ज़्यादा विरोध नहीं करते। और ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस होता आ रहा है, पर्टिकुलरली कांग्रेस हिंदुओं का अपमान बार बार कर रही है, करती है और करती थी। लेकिन हमने इसके खिलाफ कभी इतना आवाज नहीं उठाया जितना उठाना चाहिए, और यही हमारी कमजोरी है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके खिलाफ सबसे पहले जो स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने क्या कहा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी कि हमारी जो संस्कृति है वो कैसे इतनी महान, इतनी स्ट्रांग और आज भी टिकी हुई है। वो इसीलिए क्योंकि हम दो श्री के संस्कृति के ऊपर खड़े हैं। इतना मजबूत हमारा वो पाया बोल सकते हैं, हमारा जो फंडामेंटल जो चीज होती है जिसके ऊपर इमारत खड़ी होती है वो है दो श्री। अब श्री का मीनिंग क्या होता है? श्री का मीनिंग होता है सौंदर्य, प्रतिभा, शक्ति, पवित्र, समृद्धि, सरस्वती, लक्ष्मी, इतने सारे मीनिंग श्री के होते हैं। और पूरी दुनिया में दो ही श्री ऐसे हैं, कौन से? श्री राम और श्री कृष्ण। श्री राम आदर्श, श्री कृष्ण प्रैक्टिकल। और इसकी वजह से मैंने बोला कि दो श्री के ऊपर भारत की संस्कृति और भारत टिका हुआ है। हम किसी और को श्री हर्ष नहीं बोल सकते या श्री वीर ऐसा नहीं बोल सकते, श्री के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं और बाद में उस व्यक्ति का नाम जोड़ते हैं, श्री युत होता है वो। लेकिन यहाँ श्री राम और श्री कृष्ण, ये हमारे पिलर्स है, ये हमारी संस्कृति है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो नेता विपक्ष के ऊपर वार किया है, इसके लिए उन्होंने दो तीन चीजें बहुत सच कही है। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंटल हिंदू है, बिल्कुल सही कहा।
हम देखते हैं जैसे ही चुनाव आते हैं पास में, ये लोग मंदिर जाना शुरू करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नदी के पास जाके आरती करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। और इसलिए वीर सावरकर कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि यही कांग्रेसी लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, और आज ये सच होते हुए हम देख रहे हैं। दूसरी बात योगी आदित्यनाथ ने की वो ये कि जो लोग रोम की संस्कृति में पले बड़े हैं उनको राम की संस्कृति समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा, राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। हम तो कहते हैं यहां पर रोम रोम में बसने वाले राम, वहां पे हमारे शहजादे जो है वो उनके मन में रोम रोम ही बैठा हुआ है, राम नहीं है। तो राम की संस्कृति के ऊपर ही भारत की संस्कृति है, या फिर राम की संस्कृति के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना अधूरी है। तो ये बात भी बिल्कुल सच कहती है। राम का मीनिंग क्या है वो भी तो इनको समझ में नहीं आया होगा, या मालूम नहीं होंगे, या फिर उनके अंकल ने उनको बताया नहीं होगा, क्योंकि ये राम भगवान को मानते नहीं है, राम एक काल्पनिक पात्र है ऐसा मानते थे। कोर्ट में जब केस चल रहा था तब इन्होंने बोला था राम एक काल्पनिक पात्र है, अस्तित्व में ही नहीं है। यहां तक इनकी हिम्मत बढ़ गई थी जब कोर्ट में फैसला हो रहा था तब। तो ये लोग कैसे राम का मीनिंग जानेंगे? राम का अर्थ होता है धर्म, जाति देश के ऊपर सीमित नहीं किया जा सकता। राम की दुनिया ही महाशक्ति है, इतना बड़ा अर्थ है राम का। रमते कने कने इति रामहा ऐसा कहा जाता है। भगवान राम जो है हमारी विराट भारतीय संस्कृति के केवल आदर्श नहीं, बल्कि राम संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। तो कैसे समझ में आएगा? तुम क्या समझोगे शहजादे, रोम की संस्कृति में पले बड़े आपको राम की संस्कृति कैसे समझ में आएगी? राम का आदर्श जीवन हमारी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा प्रभामंडल है जो समस्त राष्ट्र और विश्व को आलोकित करता है। तो इस तरह का राम का आदर्श जीवन हमारे लिए है। राम केवट के राम कहलाते हैं, राम शबरी के राम भी कहलाते हैं, राम सबके मन में वास करते हैं। तो रोम रोम में राम हमारे है, आपके मन में सिर्फ रोम रोमी है शहजादे, तुम इस बात को क्या समझोगे शहजादे, है ना। तो दूसरी और एक बात कह सकते हैं, राम नैतिक मूल्यों और प्रणेता, मानवता के अधिष्ठाता माने जाते हैं। तो जिनकी संस्कृति में, रोम की संस्कृति में पर्टिकुलरली, कैसी रोम की संस्कृति है हमने देखी, हमारी संस्कृति में मानवता सबसे पहले आती है। तुम क्या समझोगे शहजादे, तुम क्या समझोगे? राम धर्म जाति देश काल से ऊपर होते हैं, इसलिए शबरी के राम है, केवट के भी राम है, हनुमान जी के राम है, विभीषण के भी राम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सहनशीलता है, राम धैर्य है, राम शक्ति है, राम प्रकाश है, कितना कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जो रोम की संस्कृति में पले बड़े हो वो कैसे समझेंगे? आप कैसे समझोगे शहजादे, आप कैसे समझोगे? तो आप अभी कल्पना कीजिए, 14 साल के वनवास के बाद रावण को मार कर, रावण का वध कर जब प्रभु रामचंद्र अयोध्या आए थे तो कितना बड़ा भव्य दिव्य स्वागत लोगों ने किया होगा। इसका वर्णन शायद रामचरितमानस में भी होगा कि किस तरह से लोग बाहर आए थे, किस तरह से खुशियां मना रहे थे, सब तरफ खुशियां ही खुशियां थी, बहुत सारा सुंदर वर्णन है। तो वो एक उत्सव था। तो ये जब हमारे ये नेता विपक्ष बोल रहे थे तो उन्होंने जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा था तब बोला था कि नाच गाना हो रहा था। आपको तो ये ही नहीं मालूम कि डिफरेंस क्या है नाच गाने में और सेलिब्रेशन उत्सव मनाने में। 500 साल के बाद भगवान रामचंद्र अपने घर में जा रहे थे, बाबर आया तोड़ा मंदिर, उसके बाद कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उसके बाद ये एक उत्सव मनाया गया। और इसीलिए ये उत्सव है जहाँ सारे लोग खुशियों के मारे सेलिब्रेट करते हैं। नाच गाना अलग होता है, वो आपकी संस्कृति में होता होगा, रोम की संस्कृति में होता होगा। तुम क्या समझोगे शहजादे, राम की संस्कृति को तुम क्या समझोगे?
शादी जब होती है तब हम जब डांस करते हैं, गाना गाते हैं, वो होता है नाच गाना, उसको हम उत्सव नहीं बोलते हैं। हम उत्सव किसको बोलते हैं? नवरात्रि उत्सव, गणेश उत्सव, है ना, फिर राम जन्म उत्सव, श्री कृष्ण जन्म उत्सव, जो हमारी संस्कृति परंपरा खुशियां मनाने का एक तरीका है। तो ये बात आपको कैसे समझ में आएगी शहजादे, क्योंकि आप तो रोम की संस्कृति में पले बड़े हैं। तो ये हुई बात कि डिफरेंस है, जो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि रोम की संस्कृति में पले बड़े लोगों को ये क्या समझ में आएगा कि राम संस्कृति क्या है। दूसरी और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने ट्विटर पर एक फोटो डाली है राहुल गांधी की, पुरानी फोटो है जब वो अफगानिस्तान गए थे और वहाँ पे नटवर सिंह के साथ वो बाबर का जो टॉम है उसको विजिट किया उन्होंने। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि इनकी पूरी फैमिली बार बार वहाँ बाबर के टॉम के पास गई थी। क्यों है? जो बाबर हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने आया, यहाँ पे तोड़फोड़ की, कितने सारे लोगों को मारा, हमारे मंदिर जो है कितने हजारों सैकड़ों मंदिर तोड़े होंगे, उसमें से तो ये प्रमुख राम मंदिर था। ऐसे क्रूर जो आक्रांता था उसके टॉम के पास क्यों गए थे? इसलिए आप हिंदू संस्कृति का विरोध करते हो, नफरत करते हो। आप तो बोलते हो कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये आपकी मोहब्बत है हमारे लिए, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी के लिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात। इसके बावजूद भी हम नहीं सुधरते, हम सोचते नहीं हैं, हम उसका अपोज नहीं करते हैं। कितने सारे अपोज किए देखो, आप अखबार खोल के देखिए, टीवी चैनल्स खोल के देखिए, छुटपुट कहीं जगह पे ही विरोध हुआ होगा, बाकी सब हम शांत है। और यही तो उनके लिए एक फायदेमंद बात हो जाती है कि उनको पता है कि हम यूनाइटेडली कभी भी विरोध नहीं करते, इसका ही फायदा ये लोग उठाते आए हैं। तो आज हमने देखा कि डिफरेंस क्या है रोम और राम की संस्कृति में, और इसीलिए हमारे नेता विपक्ष ऐसी बातें बोलते आ रहे हैं और हम शांति से सुन रहे हैं। अगर हम जागे नहीं ना, तो आने वाला जो कल होगा वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, और आने वाली पीढ़ियां हमको शायद कभी माफ नहीं करेगी कि समय होते हमने क्यों नहीं रोका इन लोगों को। सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए, और आपको अगर कुछ लगता है तो जरूर कमेंट्स डालिए, लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो ये शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की बात इतनी ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम और जय हिंद।